नमस्कार प्रिय साथियों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है आपको करोड़पति बनाने वाला नीलम और आपको करोड़पति बनाने वाला नीलम। नीलम के कौन से ऐसे दुर्गुण है जो दुकानदार ग्राहक से छिपाता है और आम ग्राहक साधारण ग्राहक नीलम के उन दुर्गुणों को पकड़ नहीं पाता और धोखे में आ जाता है, और नीलम के कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे मैनर्स हैं जो व्यक्ति को सूट आने पर निश्चित रूप से तरक्की प्रदान करता है। नीलम व्यक्ति को एकाध साल में ही बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। आज की वीडियो में बारीकी से आपसे रतन खरीदते समय, खासकर नीलम खरीदते समय कौन सी बात छुपाई जाती है, यह आज मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करोड़पति बनाने वाले नीलम के बारे में। नीलम की कौन सी कमियां ऐसी हैं, यदि आपने धारण कर लिया तो लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। और यह बातें आम तौर पर आम ग्राहक से छिपाई जाती हैं। प्रिय साथियों, आप मान लिया किसी दुकानदार से 5, 7 या 9 रत्ती का नीलम खरीदते हैं या 11 रत्ती का नीलम खरीदते हैं। यदि आपका नीलम चमकदार नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी गजब की नहीं है, उसमें अपनी आभा नहीं है, चमचम करके नहीं चमकता, कम या ज़्यादा अंधा टाइप सा है, स्क्रीन पर आप समझने का प्रयास कीजिए चीज़ों को। यदि आपका नीलम अंधा है, कम चमकदार है, तो वह आपको करोड़पति बनाएगा। अब जहाँ से आप खरीदोगे वह तो सोचेगा महंगा नहीं लेता, सस्ता सही माल तो बिक ही रहा है। लेकिन यदि नीलम में, सभी रत्नों के लिए समान रूप से यह नियम लागू होता है, नीलम में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रत्न है, चमकदार नीलम ही आपको संपूर्ण फल प्रदान कर सकता है। इसके अलावा भी 4-5 बातें और बताऊँगा, लेकिन पहले इसको बारीकी से समझ लीजिए। आभाहीन, बुझा हुआ, निस्तेज चेहरे का व्यक्ति आपके पास बैठ जाए, या निस्तेज और आभाहीन तेजहीन चेहरे के व्यक्ति के साथ में आपको दिन गुजारना पड़े, जिंदगी नरक हो जाती है। और यदि लालिमा युक्त, तेजवान, सौंदर्य युक्त कोई चेहरा आपके आसपास है, भले ही आपकी पत्नी है, भले ही आपके पिता हैं, भले ही आपका भाई है, भले ही आप कोई भी, ऐसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेजस्वी सौंदर्य से युक्त यदि व्यक्ति आपके पास है, तो कितना उसका पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान का सीधा सीधा सूत्र है। इसी प्रकार बुझा हुआ नीलम व्यक्ति के भाग्य को बुझा सकता है, धन आने के सारे रास्ते बंद कर सकता है, क्योंकि नीलम का संबंध मध्यमा उंगली से होता है और धन यहीं से आता है। ये भाग्य रेखा मध्यमा उंगली के नीचे ही समाप्त होती है। इसके विपरीत यदि आप 10 रत्ती का नीलम पहनना चाहते हैं, आप 10 की बजाय 5 ही रत्ती पहन लो, पैसे आधे हो गए, लेकिन क्वालिटी एकदम दमदार होनी चाहिए, चमक उसके अंदर, कलर चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, बहुत गाढ़ा रंग हो, हल्का हो, नीला नीली आभा होनी चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन बुझा हुआ नहीं होना चाहिए, व्यक्ति हो, वस्तु हो, रत्न हो, जो बुझा हुआ है उसको आउट कर देने में भलाई है, क्योंकि उसका टाइम ठीक नहीं है, वो आपका भी टाइम खराब कर ही देगा। शुक्र नीति यही कहती है, और बुरा मत मानना, मेरी नीति भी यही कहती है। नंबर 2, रत्न को चारों तरफ घुमा करके देख ले, नखून वगैरह चला करके उसमें देख ले, उसमें टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, स्क्रैच नहीं होना चाहिए, दोरंगा नहीं होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, वह अपनी जगह है, कटिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, नीलम खरीदते समय इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।